हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस बार एग्ज़ाम को हम जरूर क्रैक करेंगे मिलकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में, आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे जल संधि। देखिए, जल संधि होती है जो दो बड़े पानी के भाग को, दो महासागर या सागर को जोड़ती है। इंग्लिश में हम इसको स्ट्रेट बोलते हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले हम एक ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टॉपिक की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन की जरूरत आपको भी है, हमें भी है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ट्रिक हम जो करने वाले हैं आज की, वो है कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों के नाम याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों, ट्रिक ये है, मित्र पर गमछा छार। तो दोस्तों, यहां पर मित्र का मी त्रय, ऐसे ही हम इसको तोड़ लेते हैं पूरे जो ट्रिक है उसको। मी से बन गया मिजोरम, त्रि से बन गया त्रिपुरा, पै से बन गया पश्चिम बंगाल, रै से बन गया राजस्थान, गै से बन गया गुजरात, मै से बन गया मध्य प्रदेश, छा से बन गया छत्तीसगढ़ और झार से बन गया झारखंड। तो इस तरह से हमने ट्रिक की कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। तो दोस्तों, मित्र पर गमछा छार, तो यहां पर हमने देख लिया, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ये वो राज्य हैं जो कर्क रेखा पर भारत के अंदर स्थित हैं। ठीक है, ये हमारी आज की ट्रिक थी। दोस्तों, अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्विज क्वेश्चन आंसर जीके के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन पढ़ के दोस्तों, अगर आपको पता है तो आंसर लगा सकते हो और स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। समानांतर मतलब समान अंतर पर, ठीक है, पैरेलल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब आगे देख लेते हैं, बेरिंग जल संधि है। आगे बात करें विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, वो हमें स्टेट बतानी है कौन सी है निम्नलिखित में से। तो यहां पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन को जरूर पढ़ना क्योंकि ऑप्शन से दोस्तों आपको कई सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शन में से बन जाता है जीके का। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है, डेविस जल संधि। देखिए, सबसे चौड़ी जो जल संधि है विश्व की, उसका नाम है डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस स्टेट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तर अमेरिका, यहां पर कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप पढ़िए और इनका आंसर दीजिए। ऑप्शन डी बेरिंग जलड़ मरुमध्य है, यह है दोस्तों जो एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका को। और दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर भी है। ठीक है, तो दोनों हमने कवर कर लिए कि यह कहां पर है, किसको अलग करती है और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी ईरान एवं यूएई। देखिए, ईरान और यूएई को अलग करती है हार्मुज जल संधि। अब मैं आपको बता दूं, हार्मुज जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, क्योंकि जितना भी क्रूड ऑयल हम गल्फ कंट्री से, ठीक है, वहां से लेके आते हैं, जैसे कि भारत, जापान और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, तो ये हार्मुज संधि जो जल संधि है उसके थ्रू ही दोस्तों जहाज निकल के आता है। अभी ईरान ने इंग्लैंड के एक जहाज पर दोस्तों हमला भी किया था, वो हार्मुज जल संधि स्ट्रेट से निकल रहा था, वहां पर उन्होंने हमला भी कर दिया। तो हार्मुज जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए। तो यहां पर दोस्तों अभी डिस्टर्बेंस चल रही है लगातार, तो ध्यान रखें, हार्मुज जल संधि है ईरान और यूएई के को अलग करती है उनके बीच से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे, कौन सा जलड़ मरु ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, अलग करता है? तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है, बोस जलड़ मरुमध्य। ये जो जलड़ मरुमध्य है, ये जल संधि जो है, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है कौन सी जलड़ मरुमध्य? बोस जलड़ मरुमध्य। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे पाक जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है, अलग करती है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। तो दीजिए अपना राइट आंसर, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को। देखिए पाक जो जल संधि है, नाम से नहीं जाइए कि पाकिस्तान आएगा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है? जहां पर राम सेतु हम बात करते हैं वहीं पर ये स्टेट आती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पास ये एक जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, बेरिंग जल जलड मरु मध्य अलग करता है किसको? बेरिंग हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम यहां पर महासागरों की बात करेंगे। पहले हमने भूभाग की बात की थी, एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है, लेकिन ये दो महासागरों को भी अलग करती है, वो आपको बताना है यहां पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। देखिए बेरिंग जलड मरुमध्य जो है वो उत्तर अमेरिका और एशिया को अलग करती है भूभाग। अगर बात करें महासागर की, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलड मरुमध्य अलग करता है, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, यानी कि जोड़ती है, अलग करती है, सब एक ही बात होती है, ठीक है? तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, आंसर दे सकते हो आप। ऑप्शन ए अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर साउथ चाइना सी और उसके अलावा अंडमान सी जो है उसको अलग करता है मलक्का जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी बंगाल की खाड़ी की काफी इंपॉर्टेंट जल संधि है, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? और पूछा जाएगा भी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो यहां पर कुछ ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? कौन सा वो पास है? तो यहां पर ऑप्शन आपके पास है, आंसर दीजिए। ऑप्शन बी एलिफेंटा पास। देखिए जाफना प्रायद्वीप है, उसके अलावा श्रीलंका, इनकी जो मुख्य भूमि को जोड़ता है वो है एलिफेंटा पास, ठीक है? एलिफेंटा पास हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच क्या स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर सही है, मोंजाम्बिक चैनल। मोंजाम्बिक चैनल दोस्तों मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, ठीक है? मोंजाम्बिक चैनल। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका से को पृथक करती है? तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को अलग करती है, और यूरोप और अफ्रीका को पृथक कौन सी करती है? वो भी जिब्राल्टर जल संधि है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे डोवर जल संधि जोड़ती है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन है, आप पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। देखिए डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल को जोड़ती है और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल, ठीक है? तो यहां पर दोस्तों पूछा जाता है इंग्लिश चैनल के ऊपर भी क्वेश्चन, और दोस्तों ये उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी लाल सागर और अदन की खाड़ी। बाब अल मंडब जो है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी को सागरों को जोड़ती है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल कहां पर है ये आपको बताना है। मैंने बताया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल, तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लगा सकते हो। ऑप्शन ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंग्लैंड और फ्रांस, इसके बीच दोस्तों इंग्लिश चैनल है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओगे, अभी जो G7 मीटिंग हुई है वो कहां पर आयोजित हुई है, जहां पर दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। आगे कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, याद कर दो, रट डालो, कुछ भी कर डालो, ये जरूर कर डालो, ठीक है। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़िए इत्मीनान से और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और मन्नर की खाड़ी को, देखिए बंगाल की खाड़ी और मन्नर की खाड़ी को जोड़ता है पाक स्ट्रेट, अलग किसको करता है, भारत को अलग करता है श्रीलंका से, राम सेतु, ठीक है, वहां पर जो राम सेतु बनाया था रामायण में आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों वो पाक स्ट्रेट पे ही बनाया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों, कौन सा एक जलड मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी बेरिंग जलड मरुमध्य, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है, तो वो था बेरिंग जल संधि, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक पूछे तो बेरिंग जल संधि, ये भी आंसर बेरिंग जल संधि होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी स्पेन और मोरक्को, देखिए जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, इन दो देशों को अलग कर देती है जिब्राल्टर जल संधि। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों निम्नलिखित जलड मरुमध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूके और फ्रांस को जोड़ती है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप दे सकते हो। ऑप्शन सी डोवर जलड मरुमध्य, देखिए आपको समझना होगा, हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी कि डोवर जलड मरुमध्य कहां पर था, इंग्लिश चैनल पे था, फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि इंग्लिश चैनल कहां पर है, किस दो देशों को जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है, अब सुरंग की बात कर दी इसने, यूके और फ्रांस को जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल के अंदर से ही तो जारी होगी, और इंग्लिश चैनल को जो है, इंग्लिश चैनल में कौन सा जलड मरुमध्य है, तो डोवर जलड मरुमध्य, तो बिल्कुल आप इसको रिलेट करके आसानी से याद करें, मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर कवर कराए हैं। तो ये था हमारे दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो हमारे जलड मरुमध्य जल संधि के ऊपर आधारित है, इनकी मैं ट्रिक भी बनाऊंगा दोस्तों, एक वीडियो लेके आऊंगा इनकी ट्रिक के साथ, ठीक है, आपने वीडियो पूरा देखा आपका इसके लिए धन्यवाद, और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है, इससे आप मोटिवेट होते हैं, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।